हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुरंजन सरकार और आज हम लोग बात करेंगे कि डॉग्स अक्सर अचानक से उल्टियां करने लगता है, उसे लूज मोशंस होने लगते हैं और आप जो है उसकी दवाइयां करते हैं लेकिन दवाई करने के बावजूद भी, वेटनरी डॉक्टर से दिखाने के बावजूद भी वो रिकवर नहीं करता है और वो जो है उल्टी वगैरह वो करते ही रह जाता है दो तीन दिनों तक, चार दिनों तक। उसके बाद फिर 9 बजे तक यह पानी वानी चढ़ाने की, मैंने वो सीरियस हो जाता है। तो इस सीरियसनेस से बचने के लिए एक रास्ता है, मैं जानता हूँ, मैं उसे आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो होता है ये क्यों होता है पहले ये जान लिया जाए। अगर ये होता है ऐसा जो है कि डॉग अगर उल्टी दस अचानक से, हेल्दी डॉग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अचानक से ये जो है उल्टियाँ करने लगता है या फिर जो है लूज मोशन शुरू हो जाता है, ये होता भी जनरली है। पहला जो कारण है वर्म लोड, वो फर्स्ट रीज़न है वर्म लोड। जो वर्म लोड बहुत बढ़ गया, पेट में बहुत दिन से कीड़ा का दवाई नहीं दिया है या दिया गया है तो ठीक ढंग से नहीं दिया गया है। अक्सर ये मिस्टेक होता है कि लोग दे तो देते हैं, हो सकता है एक खाया एक नहीं खाया, अंदर रख नीचे खाने में मिला के दिया, खाने के नीचे ही रह गया, फिर वो नहीं खाया। इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो कि डॉग्स ओनर समझते हैं कि मैंने तो डीवर्म किया है लेकिन डीवर्म हुआ नहीं एक्चुअल में। तो ये जो है डीवर्म वर्म्स का लोड जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तब ये चीज़ अचानक से क्रॉप आउट कर जाता है। दूसरा कारण है फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडी अगर मतलब समझिए कांटी, लकड़ी, कपड़ा, ये सब कुछ खा लिया, पत्थर, ये सब कुछ खा लिया, तो जब तक वो पत्थर या वो कांटी वो पेट से नहीं निकलेगा तब तक वो उल्टी का कोशिश करते ही रहेगा। तीसरा कारण है कचरा खाना, कचरा खाना या एबनॉर्मल कुछ खा लेना। एबनॉर्मल खाना मतलब हो गया जो कि कचरा उचरा जो मिलता है, इससे ह्यूमन फूड ही कुछ खा लिया समझिए, मिठाई रखा हुआ है, मिठाई का डब्बा पूरा चट कर गया, ये सब होता है अक्सर, लोग जानते हैं। इमीडिएट तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है, ये जो अचानक से हो सकता है 7 दिन, ये घटना के 7 दिन के बाद अचानक से इसे उल्टी करना स्टार्ट करेगा, ये होता है। लोग सोचते हैं कि अरे क्या हो गया डॉग को अचानक से, सर डॉग तो एकदम ठीक था। तो ये होता है एक चीज़। और एक और कारण है, वो कारण है कि अपना ही फूड ज़्यादा खा लेना। वो जो भी खाना खा रहा है वो हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में खा ले, एक किसी दिन जस्ट उसे पसंद लग रहा है इसलिए ज़्यादा खा लिया, तो फिर वो उल्टी करेगा उसी तरह से। और एक बार उल्टी शुरू हो गया, उल्टी मोड में आ गया तो फिर वो करते ही रहता है। तो देखिए इन सभी चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन क्या है, कॉमन है कि उसका गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है, मतलब पेट उसका खराब हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो मैं जानता हूँ, मैंने बता दें, ड्रग्स जो है वो तो देना है लेकिन ड्रग्स सिंपली इज नॉट इफेक्टिव। उसको आपको साथ ही साथ उसे एक खाना देना है जिसको कहते हैं रॉयल कैनिन का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइट। तो ये क्या करता है खाना, ये जो है ना इजीली डाइजेस्टिबल खाना होता है, ये कुछ दिनों के लिए उसके पेट को आराम दे देता है। समझिए पेट में अगर जो भी सिस्टम गड़बड़ा गया है वो जो है थोड़ा दिन उसके वो रिकवर करने में टाइम लगता है। तो इस दौरान अगर हम लोग रॉयल कैनिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइट देते हैं 10-15 दिन के लिए, तो ये खा के वो डॉग जो है स्वस्थ रहता है, तो उसका रिकवर हो जाता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, देन एवरीथिंग बिकम्स ओके। उसके बाद फिर नॉर्मल खाना आप खिला सकते हैं। आइए हम लोग दिखाते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि ये डॉग को कैसे खिलाते हैं और कैसे इसको खाना, इस खाने को दिया जाता है। चलिए देखते हैं।